हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तारीख 6 अक्टूबर 2022 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आज एकादशी हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा दोस्तों, कल ही दशहरे का त्योहार मनाया गया हमारे देश में बड़ी ही धूमधाम से। रावण दहन किया गया क्योंकि दोस्तों पिछले 2 सालों से कोरोना पेंडेमिक चल रही थी, तो इसीलिए इस बार दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत, रावण दहन बड़ी ही धूमधाम से मना, राइट। लेकिन इस बार दोस्तों रावण दहन के दौरान कुछ दुर्घटनाएं भी देखने को मिली। देखिए, हरियाणा के यमुना नगर में जलता रावण लोगों पर गिर गया और इसके चलते कुछ लोग घायल भी हो गए। वहीं हरियाणा में एक जगह पर तिरंगे वाला रावण भी लगा दिया गया, तो इसको देखकर भीड़ भड़क गई। करनाल के लोगों ने इसका जमकर विरोध किया और फिर रावण की पोशाक बदली, उसके बाद ही रावण का दहन किया गया। बिहार पटना में भी रावण को जलाने से पहले ये हवा से गिर गया था, फिर इसको क्रेन से वापस खड़ा किया और उसके बाद इसका दहन किया गया। अच्छा, वहीं इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिमाचल प्रदेश कुल्लू पहुंचे और वहां दशहरा उत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया। और कुल्लू दशहरा उत्सव में आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी रहे। इस दौरान उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ भगवान रघुनाथ के रथ तक वो खुद पहुंचे और इंटरनेशनल दशहरा उत्सव में 47 मिनट तक रुके भी। पिछले 10 दिनों में देश के पीएम का हिमाचल में ये दूसरा दौरा रहा। इस दौरान बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन करते हुए बोले कि मैंने पहाड़ की रोटी खाई, मुझे इसका कर्ज चुकाना है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में जो एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, इसमें 750 बेड की सुविधा है, 64 ICU भी है। अच्छा, इसके अलावा 24 आवर्स डायलिसिस की सुविधा भी मिलेगी। वहीं अति आधुनिक मशीनों सहित डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र भी यहां पर मौजूद हैं। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। हिमाचली ट्रेडिशन में पीएम मोदी ने लोगों के साथ मिलजुल कर दशहरा मनाया। और बाकी रिलायंस जियो ने भी कल दशहरे के मौके पर दिल्ली मुंबई से 4 शहरों में अपनी 5G सर्विस का बीटा ट्रायल भी लॉन्च किया। वहीं दोस्तों कल ईरान में भी दशहरे के दिन बड़ा भूकंप आया जिसमें 500 से ज्यादा लोग घायल हो गए, 12 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। तो दोस्तों कुछ यूं रहा दशहरा और रावण दहन का कार्यक्रम। वैसे आज एकादशी है, आपको बता दूं पापा कुंसा एकादशी है। ये 6 अक्टूबर को महिलाएं इसका व्रत भी रखती है। माना जाता है कि अंगिरा ऋषि ने इस एकादशी व्रत का विधान बताया था और दशहरे से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इस दिन व्रत उपवास के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। टेक्नोलॉजी से अच्छा अपडेट आ रहा कि इंसानों को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन तैयार हो चुका है। 100 किलो वजन को साथ लेकर यह उड़ सकता है और जल्द ही इस ड्रोन को इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में तेंदुए के शावक को दूध पिलाया। शावकों का नाम चंडी और भवानी रखा, व्हाइट टाइगर को बाड़े में छोड़ा है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर आ रही दोस्तों कि भारत में महंगा हो सकता है पेट्रोल डीजल। हर दिन तेल उत्पादन 20 लाख बैरल तक घटाने की तैयारी में है ओपेक देश। भारत ने चीनी निर्यात में भी रिकॉर्ड बनाया, ये आंकड़ा 57% बढ़कर 109 लाख टन के पार पहुंचा। अच्छा, केंद्र सरकार ऐसे भी प्लानिंग कर रही है कि समुद्र के किनारे जो जमीन होती है ना, उसको किराए पर देने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट और इससे कमाई करेगी। साथ ही पवन ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ाया जाएगा। वही दोस्तों आने वाले दिनों में थिएटर में मूवी देखना आपका सस्ता होगा। 100 रुपए में मूवी टिकट मिल जाएगा आपको। साथ ही मल्टीप्लेक्स में खाना पीना भी सस्ता किया जाएगा। थिएटर संचालक इस तरह की नई योजना बना रहे हैं। इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा है कि जी और सोनी के विलय को सीसीआई ने दी मंजूरी। मीडिया व एंटरटेनमेंट मार्केट पर पड़ेगा असर। भारत में अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। 9 करोड़ रुपए में बनेगा ट्रेन का सिर्फ एक डिब्बा। आने वाले समय में आपका इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना और सस्ता हो सकता है क्योंकि ई पॉलिसी पर जल्द डिस्काउंट शुरू हो सकता है, इरडा की तरफ से कही गई ये बात। शाओमी कंपनी की तरफ से 12T और 12T प्रो 2 मोबाइल फोन लॉन्च किए गए जिनमें आपको 120 वाट का चार्जर मिलेगा। कीमत है इनकी 48,000 के लगभग। आईसीआईसीआई बैंक के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, एफडी पर आपको 0.25% तक ज्यादा ब्याज मिलेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने एक और सर्विस शुरू की है, होम वेंटेज अकाउंट की सुविधा। यानी कि अब भारतीय छात्र घर बैठे ही ब्रिटेन में भी अपना अकाउंट खुलवा सकेंगे। इस तरह की फॉरेन में अकाउंट खोलने की सुविधा आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू कर दी है। हिजाब विवाद मामले पर अगले सप्ताह आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्योंकि पीठ ने ऑलरेडी 22 सितंबर को हिजाब मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। राजस्थान में देखिए, मोरारी बापू करेंगे विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण। राजस्थान के नाथ द्वारा को इससे नई पहचान मिलेगी। आपको बता दूं अगले महीने 6 नवंबर को इस प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा और ये दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। 351 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी। अच्छा वही देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दशहरा के मौके पर लॉन्च की नेशनल पार्टी भारत राष्ट्र समिति इसका नाम रखा। ममता नीतीश जैसे 6 विपक्षी लीडर से मिलने के बाद ये बड़ा कदम उठाया। अच्छा, यूपीआई यूज करने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है दोस्तों। रुपए क्रेडिट कार्ड से अब 2,000 रुपए तक का लेन देन करने पर आपको यूपीआई पर एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि फीस के रूप में कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। रुपए क्रेडिट कार्ड पर 2,000 रुपए तक के लेन देन पर यूपीआई फीस को माफ कर दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई की तरफ से हाल ही सर्कुलर जारी करके ये बात की जानकारी दी गई। वह देखिए, इस साल अप्रैल जुलाई के बीच राज्यों का खर्च केंद्र से आधा रहा। सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों,
शिक्षाओं पर बजट का सिर्फ 15% खर्च कर पाए राज्य, जबकि खर्च के मामले में केंद्र सरकार राज्यों से आगे रही। अच्छा, राजधानी दिल्ली में मास्क की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। अब मास्क नहीं लगाने पर भी आप पर 500 रुपए का जुर्माना नहीं लगेगा। साथ ही दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ वर्कर्स पर भी बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर कोविड अस्पतालों में भर्ती थे ना वर्कर्स, उनको 31 दिसंबर 2022 तक काम करने की अनुमति होगी। साथ ही राजधानी दिल्ली में अब 3 कोविड सेंटर्स को भी बंद किया जाएगा, क्योंकि अब धीरे धीरे कोरोना का माहौल कम हो रहा और इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये कुछ पाबंदियों को खत्म कर दिया। वही दोस्तों, कल ही अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हमारी भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रेश हो गया और इसमें एक पायलट शहीद हो गया, दूसरा घायल है। एक्सीडेंट की एक बड़ी घटना कल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में भी देखी गई, जहां बारातियों से भरी एक बस है खाई में गिर गई। बस में टोटल 50 लोग सवार थे, जिसमें से 32 लोगों की जान चली गई, 18 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। 24 घंटे तक SDRF का यह ऑपरेशन चला। नोबेल पुरस्कार पर खबर आ रही कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया, जिनमें से एक महिला है, 2 पुरुष वैज्ञानिक है जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। वहीं नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में हमारे 2 भारतीय भी शामिल है। एक तो फैक्ट चेकर प्रतीक जुबेर को भी मिल सकता है पीस प्राइज, 7 अक्टूबर को इनका ऐलान होगा। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रेसलिंग को बाहर कर दिया गया है। इससे हरियाणा राज्य को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इसी साल बर्मिंगम में हमारे पहलवानों ने 6 गोल्ड समेत टोटल 12 मेडल जीते थे रेसलिंग में, लेकिन 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग नहीं रहेगी। हालांकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शूटिंग की वापसी की गई है, विक्टोरिया गेम्स के लिए खेलों का ऐलान हो गया और कुश्ती को बाहर कर दिया गया। अच्छा, हरियाणा सरकार ने एक नया नियम बना दिया, हरियाणा की जेलों में अब जूते पहनकर नहीं जा सकेंगे कैदी। साथ ही कोर्ट में पैसे के लिए भी जब उनको ले जाया जाएगा ना, तब भी हवाई चप्पल पहनकर ही वो जा पाएंगे, क्योंकि जूतों की गहनता से जांच करना संभव नहीं होता है और इसीलिए जूता पहनकर जाने पर रोक लगा दी गई है। किया मोटर्स की कारें जिन लोगों के पास हैं, उनके लिए बड़ी खबर आ रही है। किया की कारों में कुछ खराबी आई और इसके चलते कंपनी ने 44,000 से भी ज्यादा कारों को वापस बुलाया, यानी कि रिकॉल किया, वापस अपने शोरूम में बुलाया। कंपनी का कहना है कि एयरबैग कंट्रोल यूनिट के सॉफ्टवेयर में कुछ बड़ी खराबी सामने आई है, जिसके बाद 44,000 से भी ज्यादा किया कोरेंस कारों को रिकॉल किया गया। कंपनी का कहना है कि आप अपने नजदीकी शोरूम जाकर के सॉफ्टवेयर को अपडेट करवा लें और चेक भी कर लें एक बार। आपके भी पास अगर किया की कार है कोरेंस वगैरह, तो आप अपने नजदीकी शोरूम जाकर एक बार वापस उसको चेकअप करवा लें। अच्छा, सरकार मेडिकल उपकरण बेचने के नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब मेडिकल वालों को थर्मामीटर, कंडोम सहित कई सारी चीजें बेचने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। फेस मास्क, चश्मा, थर्मामीटर सहित कई तरह के मेडिकल उपकरण, चिकित्सा उपकरण बेचने वाले जितने भी मेडिकल स्टोर्स है ना, उनको अब रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकार ने चिकित्सा से संबंधित उपकरण के नियमों में बदलाव किया है और इसके तहत मेडिकल उपकरण बेचने वाले दुकानदारों को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण के साथ ये पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इसको लेकर नए नियम भी जारी कर दिए हैं सरकार ने। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, भारत के लिए बड़े ही गौरव के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सराहना की गई, तारीफ की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने दुनिया को कहा कि कोरोना में गरीब देशों के लिए इंडिया ने असाधारण काम किया है। और दोस्तों, कोरोना काल में दूसरे देशों की मदद के लिए भारत की तारीफ करते हुए विश्व बैंक ने कहा कि दूसरे देश भी इंडिया से सीखें और इस तरह से मदद करें। अच्छा, हिमाचल प्रदेश कुल्लू में कल पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की होड़ मच गई। इस दरमियान ग्रिल टूटने से एक बच्ची घायल हो गई, पीएम मोदी ने खुद उसका हाल पूछा। मध्य प्रदेश में अब हिंदी में MBBS की पढ़ाई जल्द शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह 16 अक्टूबर को MP मेडिकल कॉलेज में MBBS के हिंदी पाठ्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वह देखिए, हरियाणा में एक नई पहल, साइबर क्राइम से पेरेंट्स को बचाएंगे बच्चे। हरियाणा के स्कूलों में आज से ही लगेगी वन डे अवेयरनेस क्लास, जहां साइबर एक्सपर्ट बच्चों को भी स्कूलों में साइबर ठगों से बचने की बारीकियां, तरकीब सिखाएंगे, ट्रिक्स सिखाएंगे और बच्चे अपने घर जाकर पेरेंट्स को भी उन चीजों के बारे में बताएंगे। साइबर अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत आज से ही होने जा रही। वही देखिए दोस्तों, कांग्रेस के खिलाफ गुजरात में राजस्थान के बेरोजगारों का दांडी मार्च अभी भी जारी है। 4 दिन में 80 किलोमीटर की यात्रा की। उपेन्द्र यादव बोले कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो राहुल गांधी को रोकेंगे। बड़ी खबर देखिए, गुजरात राज्य में नकली नोटों के एक रैकेट का पर्दाफाश किया गया। अब तक 317 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त किए गए। पहली रेड में 25 करोड़ रुपए मिले थे, 67 करोड़ के तो पुराने नोट भी जब्त किए गए नकली नोट। गुजरात के सूरत जिले में पुलिस की तरफ से नकली नोटों के इस रैकेट का पर्दाफाश किया गया। आप भी सावधान रहें बाजार में लेनदेन करते समय, वरना आपकी मेहनत के पैसों को इस तरह से नकली नोट के गिरोह वाले लोग बाग नकली में बदल सकते हैं। अच्छा, बच्चे बच्चों को लेकर देखिए दोस्तों, WHO की एक बड़ी चेतावनी आ रही है कि वीडियो गेम्स का नशा बच्चों के लिए बड़ा खतरनाक है। ये लत जवानी में गुस्से और डिप्रेशन का शिकार भी बनाती है और इससे बड़ा होने पर भी बच्चों का सामाजिक जीवन भी बर्बाद हो सकता है। हाल ही में WHO की तरफ से दुनिया भर के लिए बच्चों को लेकर ये चेतावनी जारी की गई है। सभी पेरेंट्स से, माता पिता से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे बच्चों को ज्यादा वीडियो गेम्स ना खेलने दें। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन तक कई राज्यों में
भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश, बिहार सहित 20 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के भी 7 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में 9 अक्टूबर तक होगी बारिश। वहीं संपूर्ण भारत का आज 6 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड वगैरह में भी हल्के फुल्के बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार का अपडेट देख लेते हैं। सोने की कीमत 980 रुपए बढ़कर 51,718 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। और वहीं चांदी में भी बड़ा उछाल देखा गया और अभी चांदी की रेट 61,997 रुपए प्रति किलोग्राम के लगभग चल रही है। कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों, तो देश में अभी भी कोरोना का खतरा पूरी तरह से तो टला नहीं है। 24 घंटों में 2500 से ज्यादा नए मामले आए, जबकि 17 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामलों की संख्या की बात करें तो 33,318 कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं अभी भारत में। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं। हरियाणा में टीजीटी के 7,471 पदों पर निकली भर्ती, उम्मीदवार 28 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर्स के एग्जाम 11 अक्टूबर से होंगे। 7 दिन पहले आवंटित जिले की जानकारी दी जाएगी, 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होंगे। अच्छा, गेट के रजिस्ट्रेशन की तारीख को एक बार फिर से बढ़ा दिया। गेट 2023 के लिए अब स्टूडेंट 7 अक्टूबर तक बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, 4, 5, 11 और 12 फरवरी 2023 को गेट का एग्जाम होगा। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है, अब सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट से ही दाखिला हो पाएगा। चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़े कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, म्यांमार में बंधक बनाए गए 13 लोग वापस भारत लौट आए हैं। चेन्नई में राज्य मंत्री ने इनका स्वागत किया। इनको थाईलैंड में नौकरी दिलाने के बहाने विदेश ले गए थे कोई दलाल और वहां ले जाकर इनसे बुरे बुरे काम करवाए गए। तो कहने का मतलब, आप भी विदेशों में नौकरी करने के बहाने, ज्यादा सैलरी, ज्यादा पैसे कमाने के बहाने हर किसी के झांसे में ना आए, ऐसे है ना। अच्छा, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स को मुफ्त स्मार्टफोन व टैबलेट के साथ मिलेगी सरकार की अहम योजनाओं की जानकारी भी, जिससे बच्चे बच्ची जागरूक होंगे। योगी सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है कि राज्य में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का काम तेजी से चल रहा है और धीरे धीरे सभी स्कूलों के बच्चों को, लगभग यूपी में 2 करोड़ बच्चों को ये बांटने का लक्ष्य रखा है। अच्छा, राजस्थान में अगले 6 महीने बिजली का संकट अब टलेगा, क्योंकि दिवाली से पहले 6 कंपनियों का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और इससे राजस्थान में 4 घंटे की बिजली कटौती भी बंद होगी। मध्य प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है, ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, अब नेता मंत्री के आवेदन नहीं चलेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के भूपेश को मिला राष्ट्रपति के हाथों सम्मान। इन्होंने सोशल वर्क से अपनी पहचान बनाई, कोरोना काल के दौरान लोगों की काफी मदद की। महज 23 साल की उम्र में इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। ये मध्य प्रदेश भोपाल के MVM कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट है। मैंने कांग्रेस इनको वाकई में। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, कल ही बांग्लादेश में नेशनल पावर ग्रिड ठप पड़ने के चलते पूरे देश में बिजली गुल हो गई, क्योंकि देश का नेशनल पावर ग्रिड ही फेल हो गया था। हालांकि अभी इसको वापस रिकवर कर लिया गया है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, इस सरकारी बैंक ने भी FD पर इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बढ़ा दिया। दरअसल इंडियन बैंक में FD कराने वालों को अब फायदा होगा, क्योंकि ज्यादा ब्याज दर मिलेगी आपको। कितनी ज्यादा मिलेगी, तो इसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बैंकिंग न्यूज की बात हो रही तो साथ में आपको एक बात ये भी बता दूं, पंजाब नेशनल बैंक ने भी FD यानी फिक्स डिपोजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वरिष्ठ नागरिकों को अब इस पर ज्यादा ब्याज मिलेगा, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वही NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर भी सरकार एक नया प्लान बना रही है, और अगर वो प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता तो रिटायरमेंट के बाद लोगों के लिए खुशखबरी होगी। ये दरअसल एकमुश्त रकम वाले हिस्से को एक बार में निकालने के बजाय हर महीने या हर तिमाही या हर 6 महीने या सालाना के हिसाब से निकाल पाएंगे आप अपने NPS के पैसे को। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया PFRDA की तरफ से ये नया प्लान तैयार किया गया है। देखते हैं कब से ये लागू होता है। इसके अलावा इस नए प्लान में मैच्योरिटी से पहले भी NPS से सिर्फ 20% पैसा निकालने की इजाजत होगी। अच्छा, वहीं एक श्रद्धांजलि, नहीं रहे हिमाचल के हीरो ऑफ कंचन गंगा, कर्नल प्रेमचंद डोगरा का निधन हो गया। स्नो टाइगर ने कुल्लू में ली अंतिम सांस, ईश्वर इनकी आत्माओं को शांति प्रदान करे। अच्छा, वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में भी बड़ी उठापटक देखने को मिल रही है। शिंदे के मंच पर बाला साहेब के बेटे और बहू आए। एकनाथ बोले कि हमने गद्दारी नहीं गदर किया। उद्धव बोले शिवसैनिक कटप्पा को माफ नहीं करेंगे। ट्विटर डील पर खबर आ रही है, एलन मस्क का U-turn, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने को तैयार है मस्क। $54 प्रति शेयर ही क्लोज होगी डील, और जैसे ये खबर मार्केट में आई ट्विटर के शेयर भी वापस बढ़ गए। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर दोस्तों, झारखंड के लोगों के लिए अच्छी खुशखबरी है। 12 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से एक नई योजना लॉन्च की जाएगी। इस योजना का नाम है सरकार आपके द्वार, और इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे और जहां लोगों की समस्याओं का हल निकाला जाएगा। 12 अक्टूबर से ही झारखंड राज्य में ये योजना शुरू होने जा रही है। गुजरात में भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की तरफ से एक नई योजना लॉन्च की गई, जिससे 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत में गुजरात भी अहम भूमिका निभाने जा रहा, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत का सफर तय होगा। इस दरमियान उन्होंने उद्योगों के आत्मनिर्भरता के लिए द आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम्स फॉर असिस्टेंट्स टू इंडस्ट्रीज नाम से एक नई योजना लॉन्च की है। एटलीस्ट इसका मकसद ये है कि गुजरात राज्य में इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा और लाखों लोगों को इसका रोजगार भी मिलेगा, और इस योजना के तहत अलग अलग सेक्टर में
12.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, है ना। और वहीं स्पोर्ट्स से न्यूज आ रही दोस्तों कि विमेंस अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम भी घोषित हो चुकी है। भारत का पहला मुकाबला 11 अक्टूबर को अमेरिका से होगा और फाइनल 30 अक्टूबर को होगा। उत्तर प्रदेश में कल एक अजीब सी घटना हो गई। देखिए, टीवी फटने से एक युवक की जान चली गई, दो लोग जख्मी हो गए, गंभीर रूप से घायल हो गए। दोस्त के घर पर बैठकर एक टीवी देख रहा था शख्स, तभी अचानक से टीवी में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट कितना खतरनाक था आप देख सकते हैं, 500 मीटर दूर तक धमाका सुनाई दिया। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद की यह घटना है। मतलब किसी को कहे तो यकीन भी नहीं होता कि टीवी भी फटती है क्या। मुकेश अंबानी की फैमिली को एक बार फिर से मिली धमकी। रिलायंस अस्पताल में 2 बार फोन आया। 8 दिन पहले आपको बताओ अंबानी को Z+ सिक्योरिटी दी गई, उसके बावजूद ये घिनौनी हरकत की है किसी ने। अच्छा, इस बार दोस्तों भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी दिवाली मनाई जाएगी और व्हाइट हाउस दिवाली के मौके पर रोशन होगा। जो बाइडेन के प्रवक्ता की तरफ से यह बात की जानकारी दी गई। आदि पुरुष फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था हाल ही में, आपको बताओ, और इसको लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है। इस फिल्म के कुछ किरदारों को लेकर बायकॉट किया जा रहा और ऐसे में अब आदि पुरुष के रावण के बाद हनुमान भी ट्रोल हुए हैं। लोग बोले कि कौन सा हिंदू बिना मूछ दाढ़ी रखता है। आदि पुरुष पर रामायण फेम सीता दीपिका ने भी अपना रिएक्शन दिया और बोले कि अगर कैरेक्टर श्रीलंका का है तो उसे मुगलों की तरह नहीं दिखाया जाना चाहिए। राजस्थान में छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी, एग्रीकल्चरल पढ़ने पर मिलेंगे 15,000 रुपए। एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। इस योजना के तहत छात्राओं को 5,000 से लेकर 15,000 रुपए की राशि प्रति वर्ष दी जाएगी। इसके अलावा राजस्थान में अब किसान भाई लोग अपनी बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना सकेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सौर कृषि आजीविका योजना शुरू की है और इस योजना की मदद से किसान भाई लोगों को अपनी जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार 30% तक अनुदान सब्सिडी देगी। वहीं देखिए दोस्तों, आईफोन 14 के बाद अब एयरपोर्ट्स और बीट्स हेडफोन का भी एप्पल कंपनी भारत में ही प्रोडक्शन शुरू करेगी, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में पौधारोपण की अब 3 साल तक लगातार जांच होगी। वन विभाग की अनुश्रवण इकाई को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अच्छा, इंसानों की प्रगति कितनी आगे बढ़ रही है देखिए। अब अंतरिक्ष में सोलर पैनल लगाने की तैयारी कर रहे हैं वैज्ञानिक और इससे इंसानों को बड़ा फायदा ये होगा कि अब बिजली डायरेक्टली अंतरिक्ष से आएगी। पृथ्वी की कक्षा में सोलर पैनल लगाने का आइडिया वैज्ञानिकों ने सोचा है। साल 2035 तक अंतरिक्ष में सोलर एनर्जी सैटेलाइट को भेजा जाएगा। अच्छा, वहीं देखिए, अब दिल्ली के चिड़ियाघर से भी गोद ले सकते हैं जानवर, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इस तरह की सुविधा शुरू की है। HDFC बैंक के ग्राहकों को बड़ा तोहफा दिया। बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सावधि जमा योजना की तारीख को 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया। वहीं देखिए, एविएशन इंडस्ट्री को भी सरकार ने सहारा दिया। लोन सुविधा गारंटी योजना में बदलाव करके 1500 करोड़ रुपए तक का लोन अब एयरलाइंस कंपनियों को देने की मंजूरी दे दी है। पहले ये 400 करोड़ रुपए थी सीमा, इसको बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया। अच्छा, वही खबर आ रही दोस्तों कि अगले साल दुनिया भर में ट्रेड ग्रोथ धीमी देखने को मिलेगी क्योंकि महंगी एनर्जी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर देखने मिलेगा। विश्व व्यापार संगठन WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हालिया एक रिपोर्ट में ये बात की जानकारी सामने आई है। अच्छा, भारत में देखिए, कारों की बिक्री बढ़ी है। सितंबर 2022 में रिकॉर्ड तोड़ 3.5 लाख PV कारें बिकी। मारुति सुजुकी 1.5 लाख बिक्री के साथ टॉप पर रही और कोरोना के बाद भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी अब धीरे धीरे वापस बड़ी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण सम्मान क्या है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए परमवीर चक्र, ऑप्शन बी शौर्य चक्र। दोनों में से मतलब सेना के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा, कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको एक iPhone 14 Pro जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। वहीं इस चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आप रोजाना की ताजा खबरें और देश दुनिया की हलचल से अपडेट रह पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।